बैक टू अनदर वीडियो। आज IPO की लिस्टिंग होने वाली है। देखिए आज 4 तारीख है, 4 अक्टूबर, और आज डीजीको स्टूडियो और मंगलम एलॉय और अपडेटर सर्विस, ये सभी IPO की लिस्टिंग होने वाली है। और अभी 9:44 हुए है और 2 IPO में हमें पता भी चल गया है कि 5% का यहाँ पर लॉस लिस्टिंग हुआ है। और यहाँ पर देखिए डीजीको स्टूडियो में 57% का यहाँ पर प्रॉफिट लिस्टिंग गेन पे देखने को मिल गया है। ये IPO बहुत अच्छा था डीजीको स्टूडियो, इसमें 10 बजे ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये SME IPO था, ये भी SME IPO था, और ये एक मेन बोर्ड IPO था। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा जो देखने को मिल गया था वो है डीजीको स्टूडियो, ये सब्सक्राइब भी बहुत अच्छा हुआ था और साथ ही में इसका GMP भी बहुत अच्छा चल रहा था। अभी के हिसाब से इसका GMP 40% के आसपास लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल रहा था GMP मार्केट में, लेकिन अभी 57% के अंदर लिस्टिंग हुआ है। बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिल गया है, आप देख सकते हैं। दूसरा मंगलम एलॉय, यहाँ पर वही प्राइस पे ओपन हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा है, बायर्स कम है, तो कुछ भी हो सकता है, लोअर सर्किट भी लग सकता है इसमें। ये IPO का GMP शो नहीं हो रहा था और इसमें सब्सक्रिप्शन भी हमें अच्छा नहीं देखने को मिल गया था, तो ऐसे IPO से दूर रहिए। और ये था मेन बोर्ड IPO जिसने लॉस करवाया इन्वेस्टर्स का। यहाँ पर 15,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको 5% का लॉस देखने को मिल गया है, ये लिस्टिंग लॉस में हुई है। तो काफ़ी अच्छा IPO होने के बावजूद भी कई कबार लॉस भी हो जाता है कुछ IPOs में। ये तो इतना सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था, जो IPO ज़्यादा सब्सक्राइब होता है उसमें अच्छा लिस्टिंग गेन हमें मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। देखिए डीजीको स्टूडियो में अपर सर्किट भी लग सकता है क्योंकि बायर्स ज़्यादा है, सेलर्स बहुत कम है, और आगे भी इसकी प्राइस में बढ़ोतरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये SME IPO है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स का बहुत अच्छा यहाँ पर मुनाफा हो रहा होगा, 50,000 से भी ऊपर का यहाँ पर मुनाफा आपको देखने को मिल गया होगा। तो ये तीनों IPO जिसमें 2 SME और 1 मेन बोर्ड IPO था, इसका लिस्टिंग आज हमें देखने को मिल गया है। अभी 9:47 हुआ है, लेकिन इसका 10 बजे हमें ट्रेडिंग भी स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। इसमें शायद से अपर सर्किट हमें देखने को मिल सकता है, और इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें लोअर सर्किट भी लग सकता है, और इसमें हमारा जो IPO प्राइस बैंड था उस प्राइस पे आता हुआ भी दिख सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तीनों IPO का आज मैंने आपको लाइव लिस्टिंग बताया। आज 4 अक्टूबर है और आज इन सभी IPOs का लिस्टिंग होने वाला है। देखिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि कैसे होता है SME IPO की लिस्टिंग, उसे लिस्टिंग वाले दिन हम सेल कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप लिस्टिंग वाले दिन उसे सेल कर सकते हैं, इस तरह होता है इस सभी IPOs का लिस्टिंग डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल द टाइम वी विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।